सभी की जिंदगी में ये बात बेहद काम आती है कि अगर सोच पॉजिटिव है और दिल में शिद्दत है तो हर चीज मुमकिन है और बेहद खास बन सकती है। 107.8 FM हिमगिरी की आवाज, आपके अपनी आवाज में मैं हूँ आज ज्योति आप सभी के साथ। और आज जिस यंगस्टर से आप मिलने वाले हैं, यानी कि जिनसे आज आपकी मुलाकात होगी, उन्होंने अपनी जिंदगी में इस बात को हकीकत में तब्दील किया है। मैं बात कर रही हूँ उत्तराखंड की एपन गर्ल मीनाक्षी खाती की। हम सभी जानते हैं उत्तराखंड अपने अंदर बेहद खूबसूरत चीजों को समेटे हुए है, चाहे वो सांस्कृतिक तौर पर हो, लोक कलाएं हो, लोक चित्र हो। तो मीनाक्षी खाती ने भी उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र की एक बेहद ही खूबसूरत लोक चित्रकला को अपनी कोशिश, अपने नए एक्सपेरिमेंट्स, क्रिएटिविटी के साथ आगे बढ़ाया और लोगों ने उनके इस कोशिश को खूब सराहा। मीनाक्षी खाती जो कि उत्तराखंड के नैनीताल की रहने वाली हैं, बचपन से ही मीनाक्षी ने अपने घर में त्योहारों के वक्त अपनी माँ दादी को एपन के जरिए घर को सजाते देखा और तब से उनकी रुचि, उनका इंटरेस्ट इस आर्ट की ओर बढ़ा। तो मीनाक्षी ने एपन आर्ट को सीखकर उसमें अपनी क्रिएटिविटी के रंग घोलकर उसकी खूबसूरती को और बढ़ाया और निखारा और बनाया इसे स्वरोजगार का एक जरिया। तो मीनाक्षी खाती अपने मीनाकृति प्रोजेक्ट के जरिए कई युवाओं और ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रही है, उनकी आंखों में सपने जगा रही है। इन दिनों मीनाक्षी की बनी हुई एपन वाली राखियां लोगों के जरिए बहुत ज्यादा पसंद की जा रही है। तो कह सकते हैं कि मीनाक्षी की उम्र यूं तो कम है लेकिन हौसले उससे कई बढ़कर। तो चलिए बिना किसी देर के मुलाकात करते हैं उत्तराखंड के एपन गर्ल मीनाक्षी खाती से। का मैं वेलकम करना चाहूंगी 107.8 FM हिमगिरी की आवाज, आपकी अपनी आवाज में। कैसे हो मीनाक्षी आप? इतनी छोटी उम्र, और सबसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि क्या ऐसा ख्याल आया कि आपके दिल में और दिल ने ये सोचा कि एपन की तरफ बढ़ना चाहिए, एपन कला को आगे बढ़ाना चाहिए जो कि उत्तराखंड का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंश है। हम यहाँ उत्तराखंड से हैं और उत्तराखंड में ऐसा है कि हर त्योहार पे, हमारे यहाँ पे हर 10-15 दिन के बीच में कोई ना कोई त्योहार आ जाता है, तो हर एक छोटे बच्चे को हो, बड़े को हो, इन त्योहारों से हर एक उत्तराखंड जो वासी है उसको इन त्योहारों से लगाव है और इन्हीं से ही हम सीखते हैं। हम बचपन से देखते हुए आ रहे हैं कि किस तरीके से हम हमारे यहाँ पे जितनी भी चीजें होती हैं, हम इस तरीके से हम चीजों से जुड़े रहते हैं, कितने धूमधाम से उन त्योहारों को मनाते हैं। उसी तरीके से हमारे यहाँ पे उत्तराखंड को जैसे देवभूमि भी माना जाता है, कहा जाता है, तो देवताओं से हमारा जो उत्तराखंड है बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है, देवताओं का यहाँ पे वास है, तो इन्हीं सब चीजों के बीच में यहाँ की कलाएं भी है। तो जिस तरीके से यहाँ की कला संस्कृति एक अनोखी जो पहचान बनाती है अपनी, तो उसी तरीके से जब कला की बात करते हैं तो यहाँ पे जो एपन कला है, तो हम इसे बचपन से ही देखते हुए आ रही हूँ मैं अपने घरों में, कि किस तरीके से मेरी दादी है, मम्मी है, मेरे अड़ोस पड़ोस के जितने भी लोग हैं, ताई चाची, सभी लोग इसको किस तरीके से बनाते हुए आ रहे हैं। तो एक ये था कि मुझे भी इस कला को सीखना है और हमारे यहाँ उत्तराखंड की हर एक महिला इसको बनाना जानती है क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी ये सीखते हुए आ रहे हैं, हम लोग बनाते हुए आ रहे हैं जी। तो इसी तरीके से ये था कि मुझे भी इस कला को बनाना सीखना है। बचपन में इतना वो नहीं था कि किस तरीके से बनाते हैं इस चीज को लेकर के, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके इस चीज के प्रति, एक एपन कला के प्रति जो आकर्षण था वो बढ़ता गया कि मुझे हाँ इसको अच्छे से सीखना है, आगे बढ़ाना है। तो इसी तरीके से मैंने जो अपना सफर है शुरू किया था। और बहुत खूबसूरती से आपका जो सफर है वो मीनाक्षी चल रहा है, लेकिन अगर आपकी प्रोजेक्ट की बात की जाए जिसका नाम है मीनाकृति, बहुत ही खूबसूरत नाम, काम तो एज ऑब्वियस बहुत खूबसूरत है, तो इसके बारे में बताइए कैसे शुरुआत हुई और कैसे लोग इससे जुड़ रहे हैं। जी, मीनाकृति द एपन प्रोजेक्ट एक मुहिम है हम सभी की, कि जिसमें हम चाहते हैं कि जो हमारी लोक कला एपन है वो सभी तक पहुंचे। इसको आगे बढ़ाने के लिए हम इसमें अलग अलग कोशिशें करते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि यहाँ पे उत्तराखंड की हर एक महिला को एपन बनाना आता है, वो एपन कला की बारीकियों को जानती है। तो ये था कि अलग अलग हिस्सों में जो लोग एपन कला को बना रहे हैं वो इस मुहिम से जुड़े और हमारे आने वाली जो पीढ़ी है वो भी उस तक भी ये जो कला है वो आसानी से पहुंचे, या फिर जो हमारे उत्तराखंड से लोग बाहर जा चुके हैं या फिर जो अलग राज्यों से हैं, हम इसको एक विश्व स्तर पे भी, कि अलग अलग राज्यों से हैं, दूसरे जो जगहों से लोग हैं वो भी आकर के इस कला के बारे में सीखें, जाने, इसके लिए हम अलग अलग तरीके से प्रयास रहते हैं। तो ये था कि मैं अकेले ही क्यों, और भी जो हमारे अगल बगल लोग हैं, हमारे उत्तराखंड में जो और लोग हैं वो भी इस कला के बारे में जो पहले से जानते हैं, या फिर जिन लोगों को इस कला के बारे में जानना चाहिए उन्हें भी इस मुहिम में जोड़ा जाए। इसी तरीके से जो मीनाकृति से अपन करते हैं, इसमें हम लोग
लोगों को जोड़ते हुए आने वाली जो पीढ़ी है उसको सिखाते हुए साथ में हम लोग इसमें और भी कई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। आपने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स जो है मीनाक्षी इस आर्ट के साथ किए हैं। पहले अपन एक सीमित क्षेत्र में तक था, अभी खासतौर पे रिसेंट की बात की जाए जैसा हम सभी जानते हैं कि रक्षाबंधन आने वाला है और आपकी राखियों की जो डिमांड्स है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी अपन को राखी के साथ मिक्स करने का, उसमें अपन कला का रंग जोड़ने का कैसे ख्याल आया? जी अगर राखियों की हम लोग बात करते हैं तो पहले मैं बताना चाहूंगी कि क्यों हम इसको एक राखी के इसमें लेके आए, कि क्यों हम इसको अपन के रंग में है या फिर अपन जो हमारी लोक कला इसकी जो बेले हैं उनको किस तरीके से हमने उकेरा है या फिर इसमें जो लिखे हुए जो हमारे कुमाऊनी जो शब्द हैं उसकी बात करते हैं, कुमाऊनी गढ़वाली पूरे हमारे जिसमें शब्द हैं। तो ये था कि हम इसमें इस मुहिम में हम लोग लगे हुए हैं कि किस किस तरीके से हम लोग इसको लोगों तक पहुंचा सकते हैं, कि जो हमारी छोटे बच्चे हैं, यूथ है जो बाहर जा चुका है या फिर जो उत्तराखंड में ही है और जो हमारे अन्य राज्यों के लोग हैं वो किस तरीके से हमारे इस लोक कला के बारे में जान सकते हैं, सीख सकते हैं और इसको आगे तक फैला सकते हैं। और उसके साथ हमारा जो इसमें बहुत खास वजह थी मीनाकृति द एपल प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने की ये थी कि हम किस तरीके से हमारे यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट को लेकर के काम कर सकते हैं, कि जो स्वरोजगार वाली हम बात करते हैं किस किस तरीके से हम एपल कला को लेकर के लोगों को स्वरोजगार से जोड़ सकते हैं। और इसमें एक तीसरी चीज थी कि महिला सशक्तिकरण को लेकर के भी हम इसमें काम कर रहे हैं। तो फिर अब बात आती कि राखी को लेकर के कि कैसे हमने सोचा कि हम लोग राखी पे लेकर के आए। तो जैसे हम मीनाकृति के इस प्रोजेक्ट में अलग अलग सीजन कह सकते हैं या फिर जो हमारे यहाँ पे सीजन से मेरा मतलब है जो हमारे यहाँ पे अपने कि हम आने वाले त्योहार पे यानी कि राखी पे क्या कर सकते हैं। तो पिछले बार जब रक्षाबंधन था तो ये था कि हम यूथ को जोड़ने के लिए इसमें राखी पे जो हमारी राखियां होती है उसमें हम लोग अपन को लेके आए। तो उसमें हमने जो आप ये यहाँ पे देख रहे हैं तो ये अपनी राखी बनाई है, तो इस तरीके से हमने इसको डिजाइन दिया। यहाँ पे आप इसमें जो देख रहे हैं इसको हिमाचल बेल नाम है इसका, ये आपकी एपन में एक मोटिव है बेल है। उसके बाद यहाँ पे आप जो सेंटर पे देख रहे हैं यहाँ पे भूला लिखा गया है, तो यहाँ पे भूला हमारे यहाँ पे छोटे भाई को कहते हैं। तो ये था कि हम किस तरीके से हमारी जो बोली है उसको ला करके और साथ में जो एक हमारी लोक कला है पढ़ा है इसका हम दोनों का एक कॉम्बिनेशन बना करके इसको लेकर के आए लोगों के सामने। कल्चर और इमोशन का एक बेहतरीन अगर आपने मिक्सचर देखना है तो आप मीनाक्षी के जरिए बनी हुई जो राखियां हैं उनको अपने तक पहुंचा सकते हैं। और आप भी मुझे लगता है कि इन राखियों तक पहुंचना चाहते हैं, यानी कि इस बार संस्कृति के रंग को घोलना चाहते हैं अपने राखी के त्योहार में। तो मीनाक्षी बताइए कि कैसे लोग आप तक पहुंचे? जी इन राखियों के लिए हमारा जो यहाँ पे गूगल पे पेज है मीनाकृति द एपन प्रोजेक्ट नेम से और फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, सभी जगहों पे हमारा जो पेज है वहीं पे लोग इस चीज को जो अपन वाली जो राखी है उन तक पहुंच पा रहे हैं, वहीं पे से लोग हमें ऑनलाइन ऑर्डर दे रहे हैं। तो कुछ लोग इसे अपने घरों में मंगा रहे हैं तथा कुछ लोग जो अपने भाई को या फिर बहन को कहीं दूर भेजना चाहते हैं तो वो हमें वहीं का पता दे करके सीधे उन्हीं के पते पे भी राखियां भेजी जा रही है। तो मैसेज के जरिए आप लोग भी इन राखियों तक पहुंच सकते हैं, इन्हें मंगा सकते हैं। देखें कि राखियों के अलावा भी मैंने जैसे कहा कि आपने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं और भी कई नई चीजें अपन के थ्रू जो है आपने लोगों के सामने रखी हैं, तो मैं जानना चाहूंगी और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसमें आप अपन कला को शामिल कर रही हैं और एक नया क्रिएटिव रूप देने की कोशिश कर रही हैं। हमारे यहाँ पे अलग अलग जैसे आपने देखा होंगे कि हम लोग त्योहारों के हिसाब से भी यहाँ पे कई सारी चीजें यहाँ की महिलाओं द्वारा बनाई जाती है। तो इसमें जैसे दिवाली के पर्पस से है या फिर ये पूजा की जैसे थालियां हैं इस तरीके से, तो ये पारंपरिक से सजाया जाता है। इसमें बीच में आप जैसे देख रहे हैं प्रतीक चिन्ह, तो हमारा इसमें मेन फोकस रहता है कि हम हमारी जो पारंपरिक बेले हैं मोटिव है उनको हम लोग लोगों तक पहुंचा पाए। इसी तरीके से और भी कई सारी चीजें हैं, ये तोरण है दिवाली के टाइम, जी इस तरीके के तोरण आप देखें जैसे कैटल है या फिर नेम प्लेट है जिन्हें हम घरों पे लगाते हैं। और तथा साथ में हमारे जो महिलाएं हैं यहाँ पे की ये लोग जो हमारी पारंपरिक चौकियां हैं लक्ष्मी चौकी सरस्वती चौकी पीठ है इस तरीके से, क्योंकि हमारे यहाँ पे अपन का अपना एक अलग इतिहास है कि हमारे यहाँ पे जो देवी देवता है उनको प्रसन्न करने के लिए उनके लिए चौकियां बनाई जाती है, पीठ बनाए जाते हैं, आसन बनाए जाते हैं। कह सकते हैं हर खास मोमेंट को आपने चाहे वो त्योहार हो या फिर हमारे घर से जुड़ी हुई कोई अहम चीज हो
तो आपने अपन को उसमें एड ऑन करके खूबसूरती बढ़ाई है उस मोमेंट की। इसके साथ साथ आपसे जैसा हमने कहा कि कई यंगस्टर्स इंस्पायर हो रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं लोगों को ट्रेनिंग भी दे रही हैं अपन आर्ट की, तो अब ये भी जानना चाहेंगे हम कि लोग कैसे जुड़ रहे हैं आपसे, और खासतौर पर यंगस्टर्स ट्रेनिंग के लिए कैसे जुड़ते हैं आपसे, किस तरह आपसे इंस्पायर होकर ये आर्ट सीखने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हम ट्रेनिंग की बात करते हैं तो हम लोग यहाँ पे दो प्रकार से ट्रेनिंग कराते हैं, एक तो ऑनलाइन है, दूसरा यहाँ पे ऑफलाइन। तो ऑफलाइन ट्रेनिंग में ऐसा है कि हम लोग किसी गांव में जाकर के स्कूल के जो बच्चे हैं स्कूल में जाकर के इस तरीके से ट्रेनिंग कराते हैं। तो अगर हम ग्रामीण इलाके में ट्रेनिंग करा रहे हैं तो वहाँ पे की लोकल जो महिलाएं हैं वो लोग वहाँ पे आकर के सीखती हैं। अगर स्कूल में है तो वहाँ पे जो स्कूल के बच्चे हैं उन लोगों को हम लोग अपन कला की जो बारीकियां उनको सिखाते हैं। और दूसरा आता है कि ऑनलाइन ट्रेनिंग, इस तरीके किसी ऐप द्वारा हम लोग उन्हें जो अपन कला है उसको सिखाते हैं। तो इसके लिए हम लोग मिनिमम 3 डेज का हमारा जो सीखने का जो प्रोसेस होता है अपन को, उसमें हमारी जो बेले हैं इस तरीके से सिखाई जाती है। इसमें हम लोग उनको 3 दिन की जो सबसे मिनिमम ट्रेनिंग है 3 दिन की, उसके साथ हम लोग 6 महीने की तक ट्रेनिंग उनको ऑनलाइन तरीके से सिखाते हैं। तो इससे अभी जब पिछले बार लॉकडाउन हुआ था तो तभी हमने ऑनलाइन जो ट्रेनिंग का ये प्रोग्राम है स्टार्ट किया था, तो अभी काफी ट्रेनिंग के थ्रू जुड़ पाते हैं क्योंकि हम लोग इसमें महीने के फर्स्ट वीक में हम लोग ट्रेनिंग कराते हैं। तो इसमें भी हमसे लोग इंस्टाग्राम या फेसबुक सोशल मीडिया के माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन करा के इस तरीके से ऑनलाइन ट्रेनिंग में जुड़ पाते हैं। अलग अलग शहरों में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में भी हमसे लोग जुड़े हुए हैं, तो उनके काम के आधार पर उनको उसी तरीके से अगर किसी को कोई चीज को लेकर के चौकी है या फिर कोई अलग चीज है उसको लेकर के हम उसको पहले सिखाते हैं। हमारा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसके थ्रू उसको पूरी पहले ट्रेनिंग दी जाती है, उसके बाद जब वो लोग उस चीज में पूरे अच्छे से सीख जाते हैं तब हम उनको यहाँ से काम भी देते हैं। तो बहुत ही अच्छी बात है कि आपके थ्रू जो यंगस्टर्स हैं जो या महिलाएं हैं ग्रामीण महिलाएं कहीं ना कहीं आत्मनिर्भरता का एक रास्ता अब शुरू कर रही हैं। तो मीनाक्षी, जैसे मैंने कहा कि ये जो आर्ट है वो बहुत खूबसूरत है, आपने कहा आप प्रशिक्षण भी दे रही हैं ट्रेनिंग भी दे रही हैं, दिखने में बेहद खूबसूरत लगती है, लेकिन इसके पीछे जो छिपी मेहनत है उसके बारे में भी हम जरूर जानना चाहेंगे। अगर इसमें मेहनत की बात करते हैं तो इसकी बारीकियों को लेकर के है कि किस किस तरीके से यहाँ पे अगर हम एपर में है तो हर एक बिंदु का है रेखाओं का अपना एक अलग महत्व है, क्योंकि दिखने में भले बहुत ही आसान से नजर दिखते हैं मीन्स की लाइनें हैं या फिर बिंदु हैं कि बहुत इजीली तरीके से डले हुए हैं, लेकिन इनके पीछे का इसको बनाने के पीछे से कि किस किस तरीके से यहाँ पे बिंदु बनाए जाते हैं, तो किस किस तरीके से यहाँ पे बिंदु है रेखाएं उन सभी का ही यहाँ पे ध्यान रखना होता है कि हम लोग जो भी चौकी बनाने जा रहे हैं या फिर जो भी यहाँ पे अपन में बेल बनाने जा रहे हैं वो उसके महत्व को भी पूरे अच्छे से दिखाएं और जो उसका पूरी विधि है बनने की वो पूरे अच्छे तरीके से यहाँ पे बन पाए। तो इसमें अगर हम टाइम की बात करते हैं तो सभी का अपना अपना अलग अलग टाइम है। अगर हम कोई चौकी बड़ी चौकी बना रहे हैं तो उसमें हमें ज्यादा वक्त लगता है, अगर हम किसी छोटे चीज को बना रहे हैं जैसे यहाँ पे पोस्टर्स हैं इस तरीके की चीजें हैं तो इसमें हमें जैसे कि नॉर्मल एपन की अगर पेले डालेंगे तो इसमें हम कम समय में बना सकते हैं। कुल मिलाकर मेहनत काफी लगती है लेकिन मेहनत दिखती भी है कि कितनी खूबसूरती से सबके सामने आ रही है। तो मीनाक्षी, बहुत सारी बातें आपसे हमने की लेकिन इस पूरे सफर में जब से आपने शुरुआत की है एक यादगार लम्हा जब आपको लगा कि हाँ अब कहीं ना कहीं जो मैंने सोचा था वो चीज मुकम्मल हो रही है, वो मेरा ख्वाब जो है वो पूरा हो रहा है। ऐसे कोई एक मोमेंट नहीं है लेकिन आज ऐसा है कि जब मैंने स्टार्ट किया था अभी 5 साल पहले कि किस तरीके से मैं इसको एक एम्प्लॉयमेंट स्वरोजगार से जोड़ सकती हूँ, एक महिला सशक्तिकरण का इसको उदाहरण बना सकती हूँ या फिर हमारी जो लोकल है उसको आगे पहुंचा सकती हूँ विश्व पटल पे, तो जब स्टार्टिंग में था कि मेरे लिए काफी उस तरीके से था कि कैसे मैं इसको लोगों के सामने ले करके आऊँ या फिर मेरे आस पास ही ऐसे लोग थे या फिर हमारा जो एपन है वो कुमाऊँ क्षेत्र तक ही सीमित है, उसे यहाँ की जो गढ़वाल साइड के लोग हैं वो उन्हें क्योंकि वहाँ का आर्ट फॉर्म नहीं है तो उन्हें तक इसकी कला के बारे में पता नहीं था। तो थोड़ा थोड़ा करके जिस तरीके से मैंने लोगों को इसके बारे में बताया अपन कल्चर अलग अलग माध्यमों से, तो उसके बाद इसमें कई ऐसी चीजें हमारे द्वारा कोशिश की गई थी कि कैसे कैसे करके, और आज के टाइम में हर कोई अपन कला के बारे में जान रहा है सीख रहा है समझ रहा है, कोई भी अगर कोई भी अपन की कोई चीज देख रहा है तो सीधे से उसके दिमाग में इमेज बन जा रहा है कि हाँ ये अपन है। तो आज इसी यही बहुत बड़ी बात है कि इतना यूथ हमसे जुड़ रहा है और इस कला के बारे में सीख रहा है जान रहा है, लोगों ने अपनी अलग अलग गाँव में शहरों में है अपन कला को लेकर के छोटे छोटे रोजगार शुरू कर दिए हैं, हर कोई अब अपन कला को बना
बजाना सीख रहा है, साथ साथ में स्वरोजगार की तरफ भी बढ़ रहा है। तो यही मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है कि आज लोग इसको जान रहे हैं, पहचान रहे हैं और ये सभी तक पहुंच रहे हैं। जो आपने सपना देखा, जो अपना लक्ष्य निर्धारित किया, वो कहीं ना कहीं पूरा हो रहा है। और आप खुद के सपने नहीं बल्कि अपने जरिए बहुत सारे यंगस्टर्स के जो सपने हैं वो पूरे कर रहे हैं। और आखिर में एक खास सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आगे क्या ख्वाब देखते हैं, आगे क्या फ्यूचर प्लानिंग है और किस तरह और इस आर्ट फॉर्म को आपने आगे बढ़ाना है, क्या क्या आपने सोचा है? पहले तो ये है कि अभी भी जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि अभी ऐपन काफी ट्रेंडिंग में है कि हर कोई ऐपन के बारे में जान रहा है, सीख रहा है, लेकिन ये यहीं तक ही नहीं है। इसके अलावा भी हम लोग चाह रहे हैं कि जो ऐपन कला है वो और आगे तक पहुंचे, इस उत्तराखंड राज्य से निकल के अलग अलग जो अलग राज्य है वहां के लोग भी इसके बारे में सीखे और हमारे जो उत्तराखंड की लोक कला है पूरे विश्व पटल पे छाए। और इसमें हम अलग अलग प्रोजेक्ट पे अभी काम कर रहे हैं, हम लोग अभी नशा मुक्ति को लेकर के भी अपने इस प्रोजेक्ट के जरिए अलग अलग जगहों पर वॉल पेंटिंग्स है नशा मुक्ति अभियान से, इसी तरीके से और भी कई सारे प्रोजेक्ट हैं जिनको हम ऐपन के जरिए ऐपन का उसमें फ्यूजन करके आगे लाना चाह रहे हैं और अपनी जो लोकल है उसको आगे बहुत आगे तक पहुंचाना चाह रहे हैं। और मुझे लगता है उत्तराखंड ही नहीं वर्ल्ड वाइड में लोग एक ना एक दिन इस आर्ट से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ होंगे और ये यूं ही आपका जो काम है वो आगे बढ़ता चला जाएगा। जाते जाते यंगस्टर्स के लिए एक छोटा सा मैसेज, सपनों के लिए खास तौर पर एक मैसेज। सपनों के लिए यही है कि अगर हम अपने सपनों को पूरा करना चाह रहे हैं तो हमें जी जान से उस चीज के पीछे लगना होगा, उसे समय देना होगा, तभी हमारे जो सपने हैं वो पूरे हो पाएंगे। शुक्रिया मीनाक्षी आप हमसे जुड़ी और इतनी खूबसूरत बातें आपने हमें बताई और उम्मीद करते हैं कि लोग आपसे जुड़ेंगे। तो एक बार फिर से शुक्रिया मीनाक्षी हमसे जुड़ने के लिए। धन्यवाद।